कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सखा हमारे पितु मात स्वामी, सखा हमारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बात तिहारी गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संदेश तुम्हीं से पाया अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल प्यारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
था तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। सब नजराने ले लूं मैं सोच रहा हूं अपना घर बरसाने में ले लूं, मैं सोच रहा हूं अपना घर बरसाने में ले लूं। आ, आ, जब खोलूं घर का द्वारा, जब खोलूं घर का द्वारा, हो जाए दर्श तुम्हारा, हो जाए दर्श तुम्हारा, सुन मीठी मीठी वाणी जब जाए नाम पुकारा, सुन मीठी मीठी वाणी जब जाए नाम पुकारा, जो बने तुम्हारी खातिर, जो बने तुम्हारी खातिर वो सब खाने में ले लो, मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लो, मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने।
सच बात कहूँ मैं मन की, ना चाह रही अनधन की, रहूं तुम्हारी शरण में कन्हैया एक आस यही जीवन की। तेरी चरण पादुका अपने, तेरी चरण पादुका अपने सिरहाने में ले लूं। मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लूं। जय जय श्री श्याम। भक्त जनों, मुरली वाले श्याम के दीवाने वैसे तो दुनिया के कोने कोने में हैं, मगर रसखान की गिनती कुछ खास कृष्ण भक्तों में होती है। मुसलमान होते हुए भी रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त बने। 1558 ईस्वी में दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान कृष्ण भक्ति के कारण कवि रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज इस पूरी कथा में हम आपको बताएंगे कि सैयद इब्राहिम खान आखिर कवि रसखान कैसे बने। एक दिन खान साहब पान खाने एक पनवाड़ी की दुकान पर जाते हैं। दुकान पे उनकी नज़र बाल कृष्ण की मूर्ति पर पड़ती है। खान साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई, ये प्यारा सा बालक कौन है? इसका इतना सुंदर शरीर है मगर पैरों में जूते नहीं हैं। पनवाड़ी ने बोला, खान साहब, इसका नाम श्याम है, और अगर आपको इसकी इतनी ही फिक्र है तो इसके जूते आप ही बनवा के ले आओ ना। खान साहब अगले ही दिन श्याम के लिए चरण पादुका बनवा कर और पान वाले के पास जाकर उससे पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ पान वाले ने देखा कि रसखान तो चरण पादुका लेकर आ गया। तब पान वाले ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए रसखान से कहा, देखो भाई, ये नन्हा बालक कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, तुम किसी और से पूछो। उसके बाद अपने दिल में श्याम की सूरत बसाए रसखान हर किसी से पूछने लगते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा।
जब प्रभु कृष्ण ने देखा कि रसखान उनको ढूंढ रहा है और वो भी बाल रूप में, तब प्रभु कृष्ण ने सोचा कि रसखान तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। और प्रभु कृष्ण एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर रसखान के पास आए और उनकी सारी बातें सुनकर उनसे कहने लगे, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहता कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता कहीं गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, और कई है धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा इंसान के वेश में कृष्ण जी रसखान को वृंदावन आने की बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रसखान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रसखान एक पल की भी देरी किए बिना वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। पैदल चलते चलते थक हार कर रसखान जी वृंदावन पहुंचते हैं। बिखरे बाल, सूखा चेहरा, थका बदन, रसखान की हालत पागलों जैसी हो गई थी। रसखान जी अन्य समुदाय के थे, इसलिए उनको पुजारियों ने मंदिर में आने से मना कर दिया। शाम मिलन को व्याकुल रसखान जी रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दो मुझे, बहुत है काम जरूरी। मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा खान साहब को मन में विश्वास था कि श्याम उनसे जरूर मिलेंगे, और इसी विश्वास में खान साहब मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। वो चारों ओर ही देखे,
झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, श्याम की जैसी छवि भक्त रसखान ने अपने हृदय में बसा रखी थी, ठीक वैसी ही छवि का बालक श्याम रसखान की गोद में बैठा था। रसखान मानो खुशी से पागल हुए जा रहे थे, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पांव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, साहब ने जब देखा कि श्याम के पांव घायल हुए पड़े हैं, तब खान साहब रो रो कर श्याम से कहने लगे, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, तब प्रभु कृष्ण उनसे कहने लगे, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया तेरे लिए ब्रज धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, और भक्त का ऐसा अद्भुत मिलन शायद ही कभी देखने को मिले। और वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया ने रसखान से कहा कि हे मेरे परम भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था, इसलिए मैं गोकुल से वृंदावन पैदल चलकर आया हूं, ताकि आपसे चरण पादुका लेकर मैं पहन सकूं। श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो
अपने चरणों में ठिकाना। मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, श्याम प्रेम रस बरसा ऐसा, खान बनारस खान बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देर किए हो, घड़ी का जामिल को पल में उबारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, घड़ी का जामिल को पल में उबारे। पतितों को पावन है, पतितों को पावन है, पतितों को पावन है, करते कृपा निधि किए पाप है इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे ये माना धम है, अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे। ये माना धम है, अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। मन हो निर्मल, मन हो निर्मल, मन हो निर्मल, तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ढूंढ लिया इस दुनिया में कोई तुझ जैसा मिल पाया ना, धन्य सुदामा गरीबी में भी स्वाभिमान घटाया ना। एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया दोस्ती का मतलब क्या होता है। इस पर कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया,
कि मित्र सुदामा, दोस्ती तो मतलब से कोसों दूर होती है। जहां दोस्ती होती है वहां मतलब नहीं होता, और जहां मतलब होता है वो दोस्ती नहीं होती। और दोस्तों, इस दुनिया को सच्ची दोस्ती का मतलब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने ही बताया था कि कैसे एक दोस्त के बिना कुछ कहे दूसरा दोस्त उसके अंतर मन की बातें जान जाता है। स्वाभिमानी सुदामा ने कुछ नहीं कहा, मगर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के अंतर मन की बातें जान गए। और इसीलिए तो कहते हैं कि भक्त के अंतर मन की बातें जाने कृपा निधान, दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। भक्त के अंतर मन की बातें, भक्त के अंतर मन की बातें जाने कृपा निधान, दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। गरीबी से बेहाल सुदामा की पत्नी सुशीला एक दिन सुदामा से कहने लगी, देखो जी, घर में बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तन ढकने के जो कपड़े हैं वो भी फटते जा रहे हैं। आप कहते हो कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, एक मित्र के राजा रहते हुए दूसरा मित्र अगर दुख झेले तो लानत है ऐसी मित्रता पर। आप अपने दोस्त के पास जाते क्यों नहीं? अरे अगर वो चाहें तो हमारी सारी समस्याएं एक पल में दूर हो जाएंगी। आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी। आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी। मित्र के पास में जाते नहीं हो, हाल क्यों अपना सुनाते नहीं हो? सारी समस्याओं का होगा पल में समाधान, दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। पत्नी के ताने सुनकर सुदामा ने आखिरकार द्वारका जाने का निश्चय किया। नंगे पांव, तन पर फटे कपड़े, कमजोर शरीर और हाथ में लाठी लिए सुदामा द्वारकाधीश के महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और खुद को
श्री कृष्ण के बचपन का मित्र बताते हुए महल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। द्वारपाल सुदामा को देखकर और उनकी बातें सुनकर चकित हो जाते हैं कि भला एक राजा और एक भिखारी की कैसी दोस्ती। द्वारपाल सुदामा को अंदर जाने से मना कर देते हैं। इस पर सुदामा रो रोकर द्वारपालों से कहते हैं, मेरे भाई तुम कन्हैया को जाकर सिर्फ ये कहना कि उनका बचपन का मित्र आया है। तुम सिर्फ सुदामा नाम बताना, वो मुझे जरूर पहचान जाएंगे, जरूर पहचान जाएंगे। विप्र सुदामा द्वारकाए, द्वारपाल से अरज लगाए। विप्र सुदामा द्वारकाए, द्वारपाल से अरज लगाए। जाके कन्हैया को बतला दो, मेरे दिल का हाल सुना दो। सिर्फ सुदामा नाम बताना, सिर्फ सुदामा नाम बताना। जाएंगे पहचान दया के, सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। सुदामा की जिद के आगे मजबूर होकर द्वारकाधीश के महल का द्वारपाल कन्हैया के पास सुदामा का संदेश लेकर आता है और अंदर आकर श्री कृष्ण से कहता है, सीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने कुआ ही बसै कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपान हकी नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव महल के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। महल के सारे लोग यह देखकर चकित हो जाते हैं कि आखिर ये कौन आया है, जिसको देखने के लिए स्वयं द्वारकाधीश दौड़े जा रहे हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार धारा प्रवाह बह रही थी, और बहे भी क्यों ना, आखिर उनके बचपन का मित्र सुदामा जो आया था। कन्हैया महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और सुदामा को सीने से लगाकर भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। अपने संग में सुदामा को महल के अंदर लाते हैं और अपने साथ अपनी बराबरी में सुदामा को बिठाकर अपने आंसुओं से अपने बचपन के मित्र सुदामा के पांव पखारते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, दोस्त हो तो कृष्ण जैसा। द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा जो ही बताया। ओ द्वारपाल जब खबर ये लाया,
नाम सुदामा जो ही बताया। नंगे पांव श्री कृष्ण जी धाए, मित्र सुदामा को गले लगाए। असुवन से प्रभु पांव पखारे, असुवन से प्रभु पांव पखारे। मित्र न कृष्ण समान दया के, सागर है भगवान दया के, सागर है भगवान सुदामा के पांव पखारते हुए श्री कृष्ण उनसे मजाक करते हुए पूछने लगे कि भैया तुम तो आए, भाभी को साथ नहीं लाए, भाभी कैसी हैं भैया? और भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ खाने को भेजा होगा, वो तुम पोटली में क्या छुपा रहे हो भैया? सुदामा की पोटली छीनकर श्रीकृष्ण चावल के दाने खाने लगते हैं। उसके बाद सुदामा से कहते हैं कि भैया तुम्हें जब कोई परेशानी थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें अपने मित्र कृष्ण पर भरोसा नहीं था? समाने बीत गए भैया, ना तो तुमने मेरी खबर ली, ना ही कभी अपना हाल सुनाया। भैया तुम्हें देखने को आंखें और तुम्हारे बोल सुनने को कान तरस रहे थे। सुदामा की पोटली से चावल खाते हुए श्री कृष्ण जब पहली मुट्ठी खाए तो एक लोक सुदामा के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरा लोक भी सुदामा को दे दिया, तीसरी मुट्ठी जब उठाए तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ते हुए समझाया, हे स्वामी क्या आप सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखेंगे? तब हालांकि कृष्ण समझ गए, मगर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, प्रिय दोस्ती में सिर्फ ये देखना होता है कि मेरा दोस्त कितना खुश है। एक दोस्त को दुखी देखकर दूसरा दोस्त अगर दुखी नहीं होता है तो सच्ची मायने में वो दोस्ती नहीं होती है। जो मेरा है वो सब कुछ मेरे दोस्त का है। संग सुदामा के बैठे कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। संग सुदामा के बैठे कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। क्यों न सुधी मेरी ले पाए, इतने बरस तुम कहाँ बिताए। तुम्हारे दरस को तरसे नैना, तुम्हारे दरस को तरसे नैना। बोल सुनन को कान दया के, सागर है भगवान दया के, सागर है भगवान। दोस्तों इसीलिए आज भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को दुनिया बड़े सम्मान से याद करती है। दुनिया में आज भी जब भी कभी दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे ऊपर आता है कि कैसे एक दोस्त गरीब था, दूसरा दोस्त राजा था, मगर
दोनों ने ऐसी दोस्ती निभाई कि दुनिया आज भी याद करती है। दिल तो हमारा तुम्ही पे मरता, घर जाने को दिल नहीं करता, दिल तो हमारा तुम्ही पे मरता। तुम पर हमारा मोहन हक हो गया, तुम पर हमारा मोहन हक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो जैसी हंसी तुम्हारी मोहन देखी कहीं मुस्कान नहीं, जैसी हंसी तुम्हारी मोहन देखी कहीं मुस्कान नहीं। तुम्हें सामने रहे देखते और कोई अरमान नहीं, तुम्हें सामने रहे देखते और कोई अरमान नहीं। अब ये मामला यहाँ तक हो गया, अब ये मामला यहाँ तक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। आंखें मलते उठे सवेरे राधा कोई पुकारे है, आंखें मलते उठे सवेरे राधा कोई पुकारे है। दौड़ी दौड़ी मिलने आई मोहन नदी किनारे है, दौड़ी दौड़ी मिलने आई मोहन नदी किनारे है। माटी सा ये जीवन यूं कनक हो गया, माटी सा ये जीवन यूं कनक हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। मन की कलियां कमल फूल सी तुमने ही महकाई है, मन की कलियां कमल फूल सी तुमने ही महकाई है। इश्क के अंगना में ओ मोहन प्रेम की बदरी छाई है, इश्क के अंगना में ओ मोहन प्रेम की बदरी छाई है। प्रेम व इश्क में रश्क हो गया, प्रेम व इश्क में रश्क हो गया। बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया, बंसी तुम्हारी से इश्क हो गया। घर जाने को दिल
नहीं करता, दिल तो हमारा तुम्ही पे मरता। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम तो बांके बिहारी के दर जाएंगे, हम तो बांके बिहारी के दर जाएंगे। बिना पूछो कहाँ और किधर जाएंगे, बिना पूछो कहाँ और किधर जाएंगे, हम तो बांके बिहारी के दर जाएंगे। मुरली वाले की मूरत मनोहर बड़ी, जी करे मैं निहारा करो हर घड़ी, बंसी वाले का रूप मन भावन लगे, खुशी बरसा रहा जैसे सावन लगे, आंख भर के जो देखो शुद्ध बुद्ध खो जाए, प्यारी छवि गिरधर की लुभावन लगे। मुरली वाले की मूरत मनोहर बड़ी, जी करे मैं निहारा करो हर घड़ी, जी करे मैं निहारा करो हर घड़ी, चूम कर उनकी चौखट सवर जाएंगे, चूम कर उनकी चौखट सवर जाएंगे, हम तो बांके बिहारी के दर जाएंगे। है सुना मैंने ब्रज धाम जो जाते हैं, कृष्ण उनके वो कृष्णा के हो जाते हैं, कृष्ण उनके वो कृष्णा के हो जाते हैं, इरादे सैकड़ों बनते हैं बनके टूट जाते हैं, इरादे सैकड़ों बनते हैं बनके टूट जाते हैं, वृंदावन वो ही जाते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। है सुना मैंने ब्रज धाम जो जाते हैं, कृष्ण उनके वो कृष्णा के हो जाते हैं, कृष्ण उनके वो कृष्णा के हो जाते हैं, सारी खुशियों को झोली में भर लाएंगे, सारी खुशियों को झोली में भर लाएंगे, हम तो वाके बिहारी के दर जाएंगे। गहरा सागर है या बीच मझधार है, श्याम के हाथों में मेरी पतवार है, श्याम के हाथों में मेरी पतवार है, न दिन की फिक्र न रात की चिंता, ना रही मुझे अपने हालात की चिंता, डगर अनजान है जीवन की और कठिनाइयां भी हैं, मगर जब साथ में है श्याम फिर किस बात की चिंता। गहरा सागर है या बीच मझधार है, श्याम के हाथों में मेरी पतवार है, श्याम के हाथों में मेरी पतवार है,
रवि संजय के संग पार कर जाएंगे, रवि संजय के संग पार कर जाएंगे, हम तो बांके बिहारी के दर जाएंगे। राधारमण गिरधारी हम आए हैं शरण तिहारी, हे राधारमण गिरधारी हम आए हैं शरण तिहारी, प्रभु रखना प्रभु रखना प्रभु रखना लाज हमारी, हम आए हैं शरण तिहारी। सृष्टि का आधार तुम्ही हो, जग के पालनहार तुम्ही हो, नाव तुम्ही पतवार तुम्ही हो, करण करावन हार तुम्ही हो, भक्तों के हितकारी राधा रमण गिरधारी, हम आए हैं शरण तिहारी। चंचल चित को कैसे संभालूं, कैसे माया मन से निकालूं, तुम ही बताओ नाथ कृपालु, छोड़ू किसे किसको अपना लूं, दुविधा मिटाओ सारी हे राधा रमण गिरधारी, हम आए हैं शरण तिहारी। तुम्हारी प्रीत में सुध बुध बिसरी, एक अजब सी है बेखबरी, नींद नाए कटे न रतिया, कासे कहूँ मैं मन की बतिया,
बढ़ रही बेकरारी, ए राधा रमण गिरधारी, हम आए हैं शरण तिहारी। नहीं